Hello students, you are welcome in my online teaching classes. आप सबका मेरी online teaching classes में स्वागत है. मैं शीशपाल चौहान और आप सबके लिए 10th class के students के लिए उनका drama Dear Departed written by Stanley Houghton लेके आया हूँ. और ये first video lecture है Dear Departed by Stanley Houghton. Title Dear Departed. Depart करना होता है अलविदा, जैसे चला जाना, स्थान छोड़ के चले जाना. तो इसमें कौन स्थान छोड़ के चले जाते हैं, कौन रुखसत होते हैं, उसके बारे में ये इनका जन्म, ये तस्वीर देख रहे हैं स्टैनले हॉटन की. इनका जन्म हुआ था 22 फरवरी 1881 को, 1881 को, देहांत 11 दिसंबर 1913 को हुआ था. ड्रामेटिस्ट के बारे में और थोड़ा सा प्ले के बारे में, जो थीम है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. विलियम स्टैनले हॉटन वाज अ फेमस इंग्लिश ड्रामेटिस्ट. ये इंग्लिश ड्रामेटिस्ट थे, काफ़ी मशहूर, और ऐसे ग्रुप से संबंध रखते थे जो रियलिस्टिक ड्रामास लिखते हैं, बिल्कुल वास्तविकता के जीवन से संबंध रखती हुई घटनाओं पर लिखते हैं. He was one of the best of a group of realistic playwright. Playwright dramatist होते हैं जो realistic realism पे, जो कड़वी सच्चाई होती है इनके plays में बिल्कुल bare होके आती है, उसमें कोई addition deletion नहीं होता, as it is, और देखने वाला, सुनने वाला, पढ़ने वाला मजबूर हो जाता है सोचने के लिए. Who were often called the Manchester School. Manchester School भी इन्हें कहा जाता था इस ग्रुप को. In every play he sought to present an idea. हर प्ले में कोई ना कोई एक ऐसा आइडिया लेके चलते हैं जो बिल्कुल यूनिवर्सल डायमेंशन अक्वायर कर लेता है, सार्वभौमिक हो जाता है आइडिया, पर्सनल होके एक सब पे लागू होता है, ऐसा बन जाता है. He had a remarkable gift for dialogue that is evident in the Dear Departed. डायलॉग लिखने में तो महारत है ने, और बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, क्लियर हो जाती है, एविडेंट हो जाती है डियर डिपार्टेड में. आप संवाद देखोगे, डायलॉग देखोगे, तो आप कहोगे कि वाकई डायलॉग लिखे गए हैं. इट वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन मैनचेस्टर इन 1908 में ये पहली बार लिखा गया था, प्रोड्यूस हुआ था पब्लिक के सामने. Here the dramatist satirizes the degradation of moral values in British middle class. British middle class में जो moral values का पतन हुआ है, degradation हुआ है, decline हुआ है, उसके बारे में है. व्यक्तिगत जैसे कहानी होती है किसी परिवार की है, तो वो सबके परिवारों की बन जाती है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं. Characters हैं हेनरी स्लेटर, मिसेस स्लेटर, ये हस्बैंड वाइफ हैं, और बैन और मिसेस जॉर्डन, ये भी पति पत्नी हैं, बट इसमें मिसेस स्लेटर और मिसेस जॉर्डन ये सगी बहनें हैं. देयर हस्बैंड्स हेनरी स्लेटर और बैन जॉर्डन ये पति हैं. डॉटर मिसेस स्लेटर और मिसेस हेनरी स्लेटर की है विक्टोरिया, 10-11 साल की लड़की है. और एबेल मैरी वेदर ये विक्टोरिया का दादाजी है, मतलब इनका मिस्टर स्लेटर का फादर है, और दो बहनों इनका भी फादर बना. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. द सीन इज सेटिंग सिटिंग रूम. द सीन इज द सिटिंग रूम. अब आपको अपने जहन में, अपनी कल्पना में एक दृश्य बनाना है कि जहां पे सीन हो रहा है. सपोज करो ये स्टेज पे ही हो रहा है. आपको एक कमरे के बारे में, एक लिविंग रूम के बारे में सोचना है कि लिविंग रूम, सपोज करो ये स्टेज है इस साइड पे और ऑडियंस सामने बैठा है. ठीक है, वहाँ से देख रहा है, और ये लिविंग रूम मान लो ये मेरी राइट साइड है और ये मेरी लेफ्ट साइड है. इस तरह से हम जो चीज़ें हैं वहाँ रखी हुई, आर्टिकल्स हैं, उसके बारे में बताते रहेंगे आपको. तो द सीन इज द सिटिंग रूम ऑफ ए स्मॉल हाउस इन ए लोअर मिडिल क्लास. लोअर मिडिल क्लास का परिवार है, छोटा सा कमरा है. ऑन द स्पेक्टेटर्स लेफ्ट इज द विंडो. स्पेक्टेटर दर्शक हो गए सामने वाले, वो ऐसे देख रहे हैं, तो ऐसे बैठे होंगे, तो उनकी लेफ्ट साइड कहाँ होगी ये?
on the left, या हम अपने आप यही मान लेते हैं, ये left side हमारी है, तो इस side पे window मान लो आप, जैसे भी आपको अच्छा लगे। वो on the spectator's left, या spectator को ही मानो आप, ऐसे घूमे हुए हैं, तो उनका left ये बनेगा, जो मेरा right है उनका left बनेगा, तो वहाँ पे एक window है, with the blinds down, blinds जो curtain type होते हैं वो down है, a sofa is in front of it, उनके सामने एक सोफा भी है, उस विंडो के ही सामने सोफा मान लो आप। On his right is a fireplace, उनके राइट साइड पे मतलब उस साइड पे एक fireplace है with an armchair, fireplace एक गार्निश बनी होती है, नीचे अंगीठी होती है उसमें और चिमनी ऊपर दीवार में से जाती है, तो ये मान लो आप, तो या फिर fireplace अलग से मान लो, भट्टी टाइप जिसमें सेकते हैं, सेकने के लिए हर घरों में उन दिनों में यही होते थे, दीवार में से चिमनी जाती थी और वहाँ ऊपर एक मेंटल पीस होता था और नीचे, ये बेहतर है मान लो, क्यों मेंटल पीस का भी जिक्र इसमें आता है। तो स्पेक्टेटर इज द डोर, मिडल ऑफ द वॉल, फेसिंग द स्पेक्टेटर इज द डोर, और ये सब स्पेक्टेटर हैं, जैसे ये सामने दीवार है तो ये बीचों बीच एक डोर भी है, दरवाज़ा है। Into the passage, जो passage में जाता है आगे main जो entrance है उसकी तरफ भी दिखता है वहाँ से, जैसे lobby होती है और एक side से stair ऊपर जा रही है, passage में जाता है, to the left of the door, उस door की जैसे ये door है तो ये side left है, left में एक cheap shabby chest of drawers to the right of the sideboard, तो एक चेस्ट रखी है, ये चेस्ट दिख रही है आपको, पुरानी चेस्ट है, इसमें ड्रॉर्स हैं बने हुए। टू द लेफ्ट ऑफ द डोर, दरवाजे के लेफ्ट में इस साइड पे एक चीप शेबी चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स ये है। टू द राइट, और राइट पे एक साइडबोर्ड है, जैसे ये साइडबोर्ड है, तो ये कल्पना में आपको सोचना होगा। इन द मिडल ऑफ द रूम इज ए टेबल, कमरे के बीचों बीच एक टेबल रखा है, विथ चेयर्स राउंड इट, इधर भी चेयर्स रखी हुई, और ऑर्नामेंट्स एंड ए चीप अमेरिकन क्लॉक आर ऑन द मेंटल पीस, मेंटल पीस आप कार्निश जो दीवार में थी उस पर मान लो, जहाँ फायर प्लेस है उसके ऊपर एक मेंटल पीस है, उस पर वो ऑर्नामेंट्स वगैरह डेकोरेशन पीसेज ऑफ डेकोरेशन रखे हुए, और एक अमेरिकन क्लॉक है। इन दी हर्थ ए कैटल, हर्थ वही चूल्हा हो गया फायर प्लेस, उस पर उसके ऊपर एक कैटल पानी जैसे उबलने के लिए होता है, वो पतीली रखी हुई। बाई दी साइड बोर्ड ए पेयर ऑफ गॉडी न्यू कारपेट स्लीपर्स, और जो साइड बोर्ड है, साइड बोर्ड उस साइड पे हुआ, उसके नीचे वो चप्पल पड़ी, स्लीपर्स स्लीपर्स पड़ी है, पेयर ऑफ गॉडी, गॉडी मीन्स भड़कीले रंगों रंग की बनी हुई। साइडबोर्ड ए पेयर ऑफ गॉडी कलरफुल न्यू कारपेट, न्यू कारपेट स्लीपर, कारपेट की बनी हुई स्लीपर्स हैं, नई है। द टेबल इज पार्टली लेट फॉर टी, और जो टेबल है सेंटर टेबल, वो चाय के लिए चाय का सामान उस पर रखा है, पार्टली पूरी तरह से नहीं बना। एंड द नेसेसरीज फॉर द मील आर ऑन द साइडबोर्ड, वो जो साइडबोर्ड है उस पर नेसेसरीज फॉर द मील, भोजन के लिए जो प्लेट्स वगैरह होती है, क्रॉकरी होती है, वो रखा हुआ, वो ढेर है पूरा। और एज आल्सो आर कॉपीज ऑफ एन इवनिंग पेपर एंड टिटबिट्स एंड पियर्सन्स वीकली, ये मैगजीन्स के नाम हैं, ये उस पर जो पढ़ के जैसे होती है पुरानी हो जाती हैं, वो 10-12 वो रखी हुई एक हीप बना हुआ, तो ये सेटिंग है। Turning to the left through the door takes you to the front door. जैसे आप वो दरवाजा दिख रहा है दीवार में, उसमें आप जाते हो और आप टर्न होते हैं लेफ्ट साइड पे, साइड पे, तो ये कहाँ ले जाएगा आपको, इन फ्रंट ऑफ ए डोर, एक डोर की तरफ, टू द राइट, और राइट साइड पे अपस्टेयर, ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं। इन द पैसेज ए हैट स्टैंड इज विजिबल, और सामने पैसेज में किसी जगह पे एक हैट स्टैंड भी, जिसमें टॉप वगैरह होते हैं ना पहनने के सिर पे, वो लटका देते हो, वो स्टैंड है उसको। When the curtain rises, जब curtain उठता है, पर्दा उठता है स्टेज से, Mrs. Slater is seen laying the table,
तो जो सेंटर टेबल सामने रखा है मिसेस स्लेटर उसको ले कर रही है, ले मीन्स उस पर रख रही है चीजें खाने पीने की, चाय वाय की। शी इज विग्रस प्लम्प रेड फेस वर्गर वूमन। अगर आप उसकी फिजिकल फीचर्स देखो तो वो विग्रस है, फोर्सफुल है, एनर्जेटिक है, प्लम्प है, मोटी प्लम्प सुडोल टाइप की, रेड फेस्ड लाल रंग दिखाई दे रहा है, वल्गर है, रूड है, ऐसा झलकता है उसकी बॉडी लैंग्वेज से झलकता है कि ये बहुत रफ बोलती है, एकदम स्पार्ट बोलती है। प्रिपेयर टू डू एनी अमाउंट ऑफ स्ट्रेट टॉकिंग टू गेट हर ओन वे। मतलब किसी से बहस हो जाए, बातचीत हो जाए तो अपना नज़रिया रखने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सिद्ध करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है, सीधी बात करती है। कोई शी डज नॉट मीन्स एनी वर्ड्स, ये देखते हुए कि सामने वाला उम्र में बड़ा है या छोटा है या कैसे बोलना है वो ध्यान नहीं रखती, सीधी बोलती है जो मन में आता है, विदाउट एनी फिल्टर शी स्पीक्स। शी इज इन ब्लैक, काले कपड़ों में है, बट नॉट इन कम्प्लीट मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या होता है, शोक वाली जो ड्रेस होती है, पूरी तरह से ड्रेसअप नहीं है उसमें, मॉर्निंग ड्रेस है परंतु पूरी वो ब्लैक नहीं है। और शी इज इन ब्लैक बट नॉट इन कम्प्लीट मॉर्निंग, शी लिसन्स फॉर अ मोमेंट एंड देन गोज टू द विंडो। फिर ऐसे सुनती है वो खड़ी होके, फिर विंडो की तरफ बढ़ती है। शी लिसन्स फॉर अ मोमेंट, मोमेंट मीन्स पल, एक पल के लिए सुनती है, एंड देन गोज टू द विंडो और फिर वो खिड़की की तरफ जाती है, ओपन्स इट, खोलती है, एंड कॉल्स इन टू द स्ट्रीट, और गली में वो बोलती है, पुकारती है किसी को, कौन है वो, विक्टोरिया विक्टोरिया डू यू हियर, कम इन विल यू। विक्टोरिया उसकी बेटी गली में खेल रही है, घूम रही है, तो उसको कहती है सुनती नहीं तू, अंदर आ जा जल्दी, बुलाती है। मिसेस स्लेटर क्लोजेज विंडो, फिर उसके बाद वो विंडो को क्लोज कर देती है, पुट्स द ब्लाइंड स्ट्रेट, ब्लाइंड्स को सीधा कर देती है, एंड देन रिटर्न्स टू हर वर्क एट द टेबल। टेबल पे चाय वाय का सामान रख रही थी, उस पर काम में शुरू हो जाती है, लग जाती है। विक्टोरिया ए प्रिकोशियस, प्रिकोशियस होती मैच्योर, जो समय से पहले हो जाए, ए प्री मैच्योर, एक मैच्योर मतलब प्री मैच्योर तो अलग चीज़ होती है, समय से पहले मैच्योर हो जाना, इंटेलिजेंट जो एकदम कैच करती है चीज़ों को। गर्ल ऑफन ड्रेस्ड इन कलर्स, और कलर्स में ड्रेस, कलर ड्रेस पहन के रखती है वो, तो आज भी इस वक्त भी उसने रंगदार ड्रेस पहनी हुई है क्योंकि शोक का माहौल है, और इस वजह से वो जो ग्रैंडफादर, बता देता हूँ शोक क्या है, वो ग्रैंडफादर जो है इनका, वो उसकी डेथ हो चुकी है, इनके दिमाग में ये बात है कि उसकी डेथ हो चुकी है, तो उसका शोक में अपनी बहन को भी टेलीग्राम कर दिया उन्होंने, वो भी पहुँच रहे हैं, और ये मॉर्निंग ड्रेस में है, शोक की ड्रेस में है, काले वस्त्र पहने हुए, और वो आ जाती है। मिसेस स्लेटर कहती है आई एम अमेज्ड एट यू विक्टोरिया, मैं हैरान हूँ तुम पे, आई रियली एम, वाकई मैं हैरान हूँ तुम पे, आश्चर्य है मुझ पे, हाउ यू कैन गैलिवेंटिंग अबाउट इन द स्ट्रीट, गैलिवेंटिंग गोइंग अबाउट सीकिंग प्लेजर, मतलब मस्ती में घूमना, तुम कैसे गली में घूम सकते हो, विद योर ग्रैंडफादर लाइंग डेड, जबकि तुम्हारे ग्रैंडफादर मृतक पड़े हैं, डेड पड़े हैं, मरे हुए हैं, एंड कोल्ड अपस्टेयर, बिल्कुल ठंडे पड़े हैं ऊपर अपस्टेयर अपने कमरे में, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, गली में मस्ती कर रही हो तुम, बट बी ऑफ नाउ, चले जाओ अब, एंड चेंज योर ड्रेस बिफोर आंट एलिजाबेथ एंड योर अंकल बेन कम, इससे पहले कि तुम्हारी मासी या माँ की बहन मासी हुई एलिजाबेथ आ जाए और तुम्हारे अंकल बहन आ जाए, मास्टर जी आ जाए, उससे पहले वो कलर्ड ड्रेस में देखेंगे वो हैरान होंगे कि ये अफसोस नहीं मना रहे, इट वुड नेवर डू फॉर देम टू फाइंड यू इन कलर्स, और कलर्स में देखना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, जल्दी करो। विक्टोरिया व्हाट आर दे कमिंग फॉर, क्यों आ रहे हैं वो, दे हैवंट बीन हियर फॉर एजेस, बहुत लंबे टाइम से वो यहाँ आए नहीं हमारे घर में, तो
Mrs. Slater, they are coming to talk over poor grandpa's affair. वो आ रहे हैं तुम्हारे दादाजी के जो कुछ मसले हैं, अफेयर्स हैं, मामले हैं, उनको इश्यूज हैं, उनको सॉल्व करने आ रहे हैं. Your father sent them a telegram as soon as we found him dead. Him है. जैसे ही हमने दादाजी को तुम्हारे मरा हुआ देखा, तो तुम्हारे पापा ने, तुम्हारे फादर ने टेलीग्राम किया था उन्हें. A noise is heard. गली में कुछ शोर सुनाई देता है. Good gracious, that's never them. और वो मिसेस स्लेटर कहती है, भगवान कम से कम वो ना हो, कि इतनी जल्दी वो ना आ जाए, क्योंकि ये तैयार नहीं है. मिसेस स्लेटर एकदम तेजी से जाती है दरवाजे की तरफ, ओपन्स और खोल के देखती है और फिर कहती है, भगवान शुक्र है भगवान का, नो थैंक गुडनेस, इट्स ओनली योर फादर. विक्टोरिया का फादर था, उसका हस्बैंड था, मिस्टर स्लेटर था वो. शुक्र है भगवान का, ये तो मिस्टर स्लेटर है, वो नहीं आए. हेनरी स्लेटर, ये विक्टोरिया का फादर, मिसेस स्लेटर का पति. स्टूपिंग हैवी मैन, हैवी भारी भरकम आदमी, स्टूपिंग ऐसे झुका हुआ सा, और ड्रूपिंग मस्टाश, मूछे नीचे की तरफ, ऐसे नहीं ऊपर की तरफ नहीं है, नीचे की तरफ है. एंटर्स, आता है. ही इज वेयरिंग ए ब्लैक टेल कोट, ये ब्लैक टेल कोट पहना हुआ है. ग्रे ट्राउजर्स, और ट्राउजर्स जो पैंट्स हैं वो ग्रे हैं. ए ब्लैक टाई, ये टाई है, इस तरह की भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है, पता नहीं लाइव यूज की है. एंड ए बाउलर हैट, ये बाउलर हैट है. ही कैरीज ए लिटिल पेपर पार्सल, हाथ में एक पार्सल है. हेनरी, नॉट कम येट. हेनरी पूछता है अंदर आते ही, आए नहीं अभी, ये टेलीग्राम करके आया होगा, आए नहीं अभी. मिसेस स्लेटर कहती है, यू कैन सी दे हैवंट, देख सकते हो आए नहीं है, तुम्हारी भी तो आंखें हैं, मतलब ऐसे बोली वो. कांट यू, देख नहीं सकते. नाउ विक्टोरिया बी ऑफ अपस्टेयर, गर्म मिजाज में है थोड़ी, तुम्हें पहले ही बताया था ये वल्गर टाइप है, गैरुलस, एकदम सोचती नहीं है, कहते हुए कि अगले जो नेक्स्ट सामने वाला है हर्ट भी हो सकता है. और विक्टोरिया को कहती है, चली जाओ, ऊपर चली जा, तुम बी ऑफ अपस्टेयर एंड दैट क्विक, और जल्दी कर, अपने चेंज कर. पुट योर वाइट फ्रॉक ऑन विद ए ब्लैक सैश, सफ़ेद रंग की फ्रॉक पहनना और सैश लगा लेना, ये सैश होता है, कमरबंद टाइप का कपड़ा होता है काले रंग में. विक्टोरिया चली जाती है. मिसेस स्लेटर हेनरी को कहती है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मुझे तसल्ली नहीं हुई, बट इट्स द बेस्ट वी कैन डू टिल अवर न्यू ब्लैक्स रेडी, जब तक हमारे नए ब्लैक कपड़े तैयार होके नहीं आ जाते टेलर से, तो ये ठीक है, काम चलाओ हैं. एंड बेन एंड एलिजाबेथ विल नेवर हैव थॉट अबाउट मॉर्निंग येट, और कहती है, देखो यहाँ पे भी उसे खुशी महसूस हो रही है, ये बारीकियाँ इसमें वन प्ले में, सोचती है कि उन्होंने तो अभी सोचा भी नहीं होगा मॉर्निंग ड्रेस के बारे में, हम तो पहले से ही बैठ गए हैं. बेन और एलिजाबेथ ने सोचा ही नहीं होगा, विल नेवर थॉट अबाउट मॉर्निंग येट, सो विल आउटशाइन देम हियर, यहाँ शोक मनाने में भी आउटशाइन करना चाह रहे, उनसे आगे निकलना चाह रहे, नंबर बनाना चाह रहे हैं, देख लो आज का जमाना कैसा आ गया. हेनरी सिट्स इन द आर्म चेयर बाय द फायर, वो जो आग जल रही थी उसके पास वो आर्म चेयर पड़ी थी, उसमें बैठ जाता है. गेट योर बूट्स ऑफ हेनरी, हेनरी अपने शूज उतारो. एलिजाबेथ्स दैट प्राइम, शी नोटिसेस द लीस्ट स्पैक ऑफ डर्ट, इतनी तेज आंखें हैं उसकी, हर चीज को देखती है वो, एक कण भी अगर यहाँ पे डस्ट का पड़ा होगा वो भी उसे नजर आ जाएगा. प्राई करना होता है, ट्राइंग टू फाइंड आउट प्राइवेट फैक्ट्स अबाउट ए पर्सन, व्यक्तिगत चीजों को भी जांचती है वो, इस तरह की आंखें हैं उसकी. हेनरी, आई एम वंडरिंग इफ दे विल कम एट ऑल, मुझे तो मैं तो सोच रहा हूँ शायद वो ना भी आए, मैं तो ऐसा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद ही आएंगे वो. When you and Elizabeth heard you and Miss and डी इसमें मिसिंग होती है, जब स्पोकन बोलते हैं तो डी नहीं बोलते. यू एंड एलिजाबेथ heard, जब तुम और एलिजाबेथ का तुम्हारा झगड़ा हुआ था, she said she would never set foot in your house again, उसने कहा था कि तुम्हारे घर में पैर नहीं रखूंगी मैं, जब तुम झगड़ी थी बहनें दोनों, लड़ाई हुई थी तुम्हारी, तो कहती थी तुम्हारे घर में नहीं आऊँगी कभी.
Mrs. Slater. She will come fast enough after her share of what grandfather's left. वो तो भागी आएगी जब उसे ध्यान आएगा कि ग्रैंडफादर क्या क्या छोड़ के जा रहे हैं उसमें से शेयर लेने के लिए तो रुकेगी नहीं भागी आएगी यू नो हाउ हार्ड शी कैन बी व्हेन शी लाइक्स जब उसे कोई चीज़ पसंद आएगी पता है कितनी बारगेनिंग में कितनी हार्ड है वो उसके लिए कुछ भी कंडीशन रखेगी उसको ले हथियाना चाहेगी कि मुझे मिल जाए ये चीज़ इतनी स्टर्बन जिद्दी है और वेयर शी गेट्स इट फ्रॉम आई कॉन्ट टेल ये जिद्दीपन कहाँ से आया उसमें मुझे नहीं पता लगा तो मिसेस स्लेटर अनरैप्स द पार्सल और पार्सल जो मिस्टर स्लेटर लेके आए थे उसको अनरैप कर रही है खोल रही है हेनरी हैज ब्रॉट इट कंटेन्स एन एप्पल पाई उसमें एप्पल पाई है समोसा टाइप कोई चीज़ है खाने की विच शी पुट्स ऑन ए डिश ऑन द टेबल वो डिश में रख देती है टेबल पर हेनरी जब उसने कहा कि पता नहीं ये जिद्दीपन कहाँ से आया उसमें तो वो एकदम चुटकी लेता है आई सपोज इट्स इन द फैमिली मैं सोचता हूँ ये तुम्हारे परिवार में है उसको मतलब एक व्यंग मारा उस पर मिसेस स्लेटर व्हाट डू यू मीन बाय दैट मिस हेनरी स्लेटर क्या मतलब है तुम्हारा हमारे परिवार में जिद्दीपन है हेनरी डर जाता है वो कहता है आई वाज रेफरिंग टू योर फादर मैं तो फादर की बात कर रहा था तुम्हारी बात है नॉट टू यू वेयर आर माई स्लीपर बात बदल देता है मेरी चप्पल कहाँ है मिसेस स्लेटर इन द किचन किचन में पड़े बट यू वांट ए न्यू पेयर तुम्हें तो नए चाहिए ना दोज ओल्ड वंस आर नियरली वॉर्न आउट वो तो घिस गए वॉर्न आउट हो गए लगभग फिसल के गिर जाओगे अगर नीचे से घिस गए नियरली ब्रेकिंग डाउन अब वो ड्रामा कर रही है कि जैसे घर में डेथ हुई पड़ी है उसे अफसोस नहीं हो रहा है भगवान इस तरह करी यू डोंट सीम टू रियलाइज व्हाट्स इट्स कॉस्टिंग मी टू बेयर अप लाइक आई एम डूइंग जो मैं कर रही हूँ घर चला रही हूँ पता नहीं घर चलाने की बात कर रही होगी यहाँ और या फिर वो दादाजी की मौत का दुख प्रकट कर रही है कि मैं कैसे सहन कर रही हूँ ये सब कुछ ब्रेक डाउन सी हो जाती है माई हार्ट फिट टू ब्रेक वेन आई सी द लिटल हाँ ग्रैंड फादर के बारे में ड्रामा कर रही है कि अफसोस हो रहा है कहती है कि मेरा तो दिल बैठ जाता है एकदम टूट जाता है वेन आई सी द लिटल ट्राइफल्स जब छोटी छोटी चीज़ें जो दादाजी की हैं वो इधर पड़ी हैं उनकी याद आती है इस तरह की ड्रामा कर रही है दैट बिलोंग टू ग्रैंड फादर लाइंग अराउंड एंड थिंक ही विल नेवर यूज देम और सोचती हूँ कि बेचारे वो तो गए अब कभी यूज नहीं कर पाएंगे उन्हें और ब्रिस्कली तेजी से हियर यू हैड बेटर दीज स्लीपर्स ऑफ ग्रैंड फादर वो सामने ध्यान जाता है स्लीपर पड़े थे दादाजी के नए थे वो फिर ध्यान जाता आप यू हैड बेटर का मतलब होता है तुम्हारे लिए अच्छा है इनको पहन लो और इट्स लकी ही हैड जस्ट गॉट ए न्यू पेयर ये तो किस्मत की बात है कि अभी अभी उनकी उन्होंने खरीदे थे और तुम्हारे लिए छोड़ दिए एंड दे विल बी वेरी स्मॉल फॉर मी माई डियर वो तो मेरे लिए छोटे होंगे मेरे पैरों में नहीं आएंगे वो कहती है दे विल स्ट्रेच पहनोगे खुल जाएंगे वॉन्ट दे आई एम नॉट गोइंग टू हैव देम वेस्टेड मैं इन्हें वेस्ट नहीं करने दूंगी देखो कितना डोमिनेट कर रही है हस्बैंड को शी हैज फिनिश्ड लेइंग द टेबल अब टेबल पे जो सामान लगाना था लगा दिया उसने हेनरी आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट दैट ब्यूरो ऑफ ग्रैंड फादर्स दैट इन हिज बेडरूम मैं उस ब्यूरो के बारे में सोच रही थी जो दादाजी के कमरे में रखा है एक जिसमें ड्रॉर है कुछ राइटिंग टेबल टाइप होता है जिसमें ड्रॉर भी होते हैं यू नो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव इट आफ्टर ही डाइड पता है तुम्हें मैं हमेशा चाहती थी कि जब ये इनकी डेथ होगी उसके बाद मैं ही लूँगी इसको हेनरी कहता यू मस्ट अरेंज विद एलिजाबेथ व्हेन यू आर डिवाइडिंग थिंग्स अप ठीक है ले लेना उससे सहमति बना लेना कॉम्प्रोमाइज कर लेना कि ये चीज़ तो मैं लूँगी तुम और कोई ले लेना कहती है एलिजाबेथ दैट शार्प शी विल सी आई एम आफ्टर इट वो तो बहुत तेज है अगर उसे लग गया पता कि ये तो मैं लेना चाहती तो उसको ही लेगी वो ये काम नहीं करूँगी मैं एंड शी विल ड्राइव ए हार्ड बार्गेन और शर्तें लगा देगी बड़ा सौदाबाजी करेगी वो एंड शी विल ड्राइव ए हार्ड बार्गेन और इट वट इट इज़ टू हैव ए लो मनी ग्रबिंग स्पिरिट कितनी लालची है वो ये मतलब है इसका हेनरी परहैप्स शी इज गॉट हर आई ऑन द ब्यूरो एज वेल हेनरी कहता है हो सकता है उसकी भी नज़र इसी पे हो ब्यूरो पे वो भी यही लेना चाहती हो
मिसेस स्लेटर कहती है शी इज नेवर बीन हियर सिंस ग्रैंडफादर बॉट इट, जब से ग्रैंडफादर ने ये खरीदा था वो आई नहीं है यहाँ पे, उसने देखा। इफ इट वॉज ओनली डाउन हियर इंस्टेड ऑफ इट इन हिज रूम शी वुड नेवर गेस इट वॉज इट अवर होम, अगर वो यहाँ होता तो वो जान जाती, हम नीचे ले आते हैं उसे और वो कभी गेस नहीं कर पाएगी कि ये हमारा नहीं था, नीचे ले आते हैं ये है वो। हेनरी कहते हैं स्टार्टर्ड, एकदम हैरान होके चौंक के कहता है अमेलिया, खड़ा होके कहता है जैसे वो आगे हो डोर पे हो। मिसेस स्लेटर, हेनरी व्हाई शुडंट वी ब्रिंग दैट ब्यूरो डाउन हियर नाउ। मिसेस स्लेटर एकदम वो उसके आइडिया दिमाग में यही चल रहा है कि वो ब्यूरो हम अभी क्यों ले आते नीचे, we could do it before they come, इससे पहले वो आ जाए हम उसको ले आते हैं नीचे ले आते हैं, ये ब्यूरो है। और वीडियो लेक्चर 1 यहाँ हमारा ख़त्म हो जाता है, ये 2 नहीं है इसके, ओनली दिस इज वीडियो लेक्चर 1 और भी इसमें तो कई वीडियो लेक्चर होंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आता हूँ। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।